हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने IBO 5 इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का चैप्टर 7। और इसमें आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगा जो कि पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लेके आऊँगा इस चैप्टर के, एंड इसके बाद आई एम श्योर कि और कोई टॉपिक बाहर से नहीं आएगा आपके पेपर में। तो जो टॉपिक्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो होगा बल्क कार्गो के ऊपर, ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो, लाइनर शिपिंग एंड ट्रैम शिपिंग के बारे में, ठीक है। तो सारे आपके पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के, यू नो, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट तो हैं ही, साथ ही साथ सब्जेक्ट में इनका यूजेज काफ़ी है आपका, बल्क कार्गो, ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो। तो आपका नॉलेज होना इन टर्म्स के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, ओके। एंड इसके अलावा जो मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी जो और वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अभी तक वो भी आप देख सकते हैं। आई हैव ट्राइड अपलोडिंग वीडियोस ऑन एवरी सब्जेक्ट, IBO 4, IBO 3, IBO 2, IBO 1, IBO 5, IBO 6। तो एक बार उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर कि हम अपना मिशन याद रख रहे हैं, विच इज़ 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। सो माई टास्क इज़ टू मेक इट ईजी फॉर यू, ठीक है। सो विल मेक इट एज़ ईजी एज़ पॉसिबल टुगेदर। तो नॉट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले होता क्या है किसी भी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो कोई भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्या होता है, जब साइंड होता है या एग्रीड हो जाता है बायर्स और सेलर्स दोनों के थ्रू, और जैसे ही गुड्स रेडी हो जाती हैं तो क्या किया जाता है, उन गुड्स को जो सेलर है वो क्या करता है, भेजता है थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट कैन बी ईदर रेल, इट कैन बी ईदर रोड, इट कैन बी ईदर शिप, और इट कैन बी ईदर एरोप्लेन। तो कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम यूज़ करके सेलर क्या करता है, आपकी जो गुड्स है वो डिलीवर करता है बायर को, ठीक है। सो इससे जो आपका ट्रांजेक्शन होता है वो कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सेलर यू नो सेंड गुड्स यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट कैन बी ईदर रेल, रोड, शिप और एरोप्लेन, ठीक है। और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज वेल। तो मल्टी मॉडलाइजेशन जो आपकी वीडियो मैंने डाली थी, सेम एज वैसे भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने ओशन ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है, जिसमें आपका जो शिपमेंट होगा वो किया जाएगा यूजिंग शिप, ठीक है। तो इन केसेस में हम डील करेंगे कि जो शिप्स होते हैं जिनके थ्रू आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द बायर बाय द सेलर, तो वो कैसे होगा, कौन कौन सी शिपिंग सर्विसेज उसमें इंक्लूड होंगी, कैसी गुड्स आपकी कौन से शिप में आपकी यू नो बेसिकली भेजी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक। तो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों, सो लेट्स रीड अबाउट इट, एंड सारा कुछ हैंड रिटन है आपको। तो पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं, आप बहुत ईजिली याद कर सकते हो विदाउट एनी इशू, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट सेज शिपिंग सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गुड्स एंड ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो उसमें जो शिपिंग सर्विसेज आपकी ऑर्गेनाइज की जाती हैं वो की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गुड्स। आपकी जो गुड्स हैं उनका नेचर कैसा है सबसे पहला वो देखा जाता है, एंड दूसरी की आपकी जो गुड्स हैं उनकी ट्रेड की रिक्वायरमेंट क्या है, गुड्स कितनी जल्दी चाहिए आपको, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो पॉइंट नंबर वन, यू हैव टू रिमेंबर दैट शिपिंग सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गुड्स एंड द ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, शिपिंग सर्विसेज आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स इन दी इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है बेसिकली, तो शिपिंग सर्विसेज हैं गुड्स की नेचर और उसकी ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है।
अब बात करेंगे पॉइंट नंबर टू की. पॉइंट नंबर टू से इज द गुड्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू शिपिंग सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. तो जो आपकी गुड्स या फिर कमोडिटीज और मर्चेंडाइज जो कि शिपिंग सर्विसेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, उनको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, तो जो गुड्स या फिर कमोडिटीज आपकी शिपिंग सर्विसेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, उन्हें दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता है. ठीक है, सो द गुड्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू शिपिंग सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. तो पहली कैटेगरी है आपकी बल्क कार्गो, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है ब्रेक बल्क कार्गो और जनरल कार्गो. ठीक है, तो जो दो कैटेगरीज होती हैं आपकी शिपिंग सर्विसेज की अगर बात करें, तो जो शिपिंग सर्विसेज के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाती हैं उनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं. सबसे पहली होती है बल्क कार्गो और दूसरी होती है ब्रेक बल्क कार्गो और जनरल कार्गो. ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों. एंड बाकी क्या होता है बल्क कार्गो, क्या होता है ब्रेक बल्क कार्गो और जनरल कार्गो, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. ठीक है, सो आगे की स्लाइड पर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे ये पता चल सके कि आपको जो मेरा हैंड रिटन नोट्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं. अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे भी वीडियोस इसी तरह की आपको प्रोवाइड कर सकूं. ठीक है, तो आपके जो कमेंट्स और आपके लाइक्स पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, तो आई प्रोवाइड यू द वीडियोस अकॉर्डिंगली. तो नेक्स्ट स्लाइड, अब आगे आपकी मैं प्रोसीड कर रहा हूँ उस पर. सो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम बल्क कार्गो के बारे में. ठीक है, सो व्हाट इज़ बल्क कार्गो, दैट इज़ आवर मेन क्वेश्चन. तो दोज़ हु हैव ऑलरेडी रीड अबाउट इट दे कैन स्टॉप द वीडियो एंड दे कैन राइट अबाउट इट. जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ यू नो आप आगे ध्यान से पढ़िए, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. ओके, तो स्लाइड आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर. सो बल्क कार्गो रेफर्स टू मटेरियल इन ईदर लिक्विड और ग्रैन्यूलर पार्टिकुलेट फॉर्म और एज अ मास ऑफ रिलेटिवली स्मॉल सॉलिड्स. ठीक है, तो बल्क कार्गो बेसिकली अगर बात करें तो इट कैन बी ईदर ऑफ लिक्विड और ग्रैन्यूलर फॉर्म, और इट कैन बी इन पार्टिकुलेट फॉर्म और एज अ मास ऑफ रिलेटिवली स्मॉल सॉलिड्स. ठीक है, तो बल्क कार्गो बेसिकली उन मटेरियल को कहते हैं जो कि आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका कोल हो गया, यू नो पेट्रोल हो गया. तो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू नो कम अंडर दी कैटेगरी ऑफ बल्क कार्गो. ठीक है, सो वट यू हैव टू रिमेंबर दैट बल्क कार्गो रेफर्स टू द मटेरियल इन ईदर लिक्विड और ग्रैन्यूलर फॉर्म, पार्टिकुलेट और एज अ मास ऑफ रिलेटिवली स्मॉल सॉलिड्स. नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं हम नाउ. बल्क कार्गो वेदर ड्राई और लिक्विड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कॉमोडिटी सच एज ores, fertilizers, food grains, crude oils, petroleum and coal, edible oil, etc., which is transported unpackaged in large quantities. ठीक है, तो bulk cargo की अगर बात करें तो it can be liquid or it can be dry. ठीक है, bulk cargo can be liquid or it can be dry and it belongs to the category of primary commodity. ठीक है, तो bulk cargo क्या है आपका, it can be liquid or dry. आपका ये liquid भी हो सकता है और dry भी हो सकता है. ठीक है, और ये बिलोंग करेगा आपकी प्राइमरी कॉमोडिटी की कैटेगरी को. प्राइमरी कॉमोडिटी मतलब बेसिकली जो या तो आपकी नेचर से ऑब्टेंड होती हैं या फिर आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो बल्क कार्गो बेसिकली क्या आपकी लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में हो सकता है, और ये बेसिकली प्राइमरी कॉमोडिटी को कैटेगराइज करता है, यानी कि ये उन प्रोडक्ट्स को डिनोट करता है जो कि आपके या तो नेचर से ऑब्टेंड होते हैं या फिर आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, और कौन कौन से आपके आइटम्स हो सकते हैं बल्क कार्गो में, तो आपके इम्पॉर्टेंट जो आइटम्स हैं इट कैन बी ओर्स, फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स, क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम एंड कोल, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके बल्क कार्गो में कंसीडर्ड किए जाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके बल्क कार्गो वाले, उनको जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो किया जाता है अनपैकेज्ड. ठीक है, तो बल्क कार्गो जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है अनपैकेज्ड, और जो आपका ये प्रोडक्ट्स होते हैं वो किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटी में.
दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो बल्क कार्गो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है अनपैकेज, यानी कि किसी भी तरह की उनकी पैकेजिंग नहीं की जाती, और इसके अलावा उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो की जाती है लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में नहीं, लार्ज क्वांटिटी में, ओके। तो दोस्तों सी जिस तरीके से मैंने आंसर लिखा है, यू कैन ऑल्सो राइट इन द सेम मैनर आपके पेपर में, यू कैन सी कि कितनी स्पेस यहाँ पर यूटिलाइज़ की गई है, आपके जो एग्जांपल्स हैं आपके लाइक ओवर फर्टिलाइज़र, फूड ग्रेन, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम एंड कोल एडिबल ऑयल, तो इनके लिए कितनी स्पेस यूटिलाइज़ की गई है। तो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर आंसर, यू कैन राइट योर आंसर इन द सिमिलर मैनर, आप सेम तरीके से लिख सकते हैं, जो कि आपका क्या लगेगा, आपके आंसर की लेंथ तो बढ़ा ही देगा, साथ ही साथ ये अट्रैक्टिव भी लगेगा, विच कैन हेल्प यू इन गेनिंग मोर एंड मोर मार्क्स, ठीक है। सो अब आगे बढ़ता हूँ मैं, और आपको डायग्राम के थ्रू इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। सो बल्क कार्गो बेसिकली इट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कॉमोडिटी, तो बल्क कार्गो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा, इट विल बिलोंग टू दी कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कॉमोडिटी, बल्क कार्गो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा, इट विल बिलोंग टू दी कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कॉमोडिटी, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो बल्क कार्गो गुड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इज़ ट्रांसपोर्टेड अनपैकेज्ड एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़, सो बल्क कार्गो प्रोडक्ट्स और बल्क कार्गो गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड अनपैकेज्ड एंड इन लार्ज क्वांटिटीज़, तो जो बल्क कार्गो की गुड्स होती हैं वो आपकी कैसी ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, आपकी पहली बात तो उनमें किसी तरह की पैकेजिंग यूज़ नहीं होती, तो दीज आर ट्रांसपोर्टेड अनपैकेज्ड, और आपकी कैसी क्वांटिटी में की जाती हैं, इन लार्ज क्वांटिटीज़, ठीक है। सो योर आंसर कैन बी बल्क कार्गो बिलोंग्स टू दी कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कॉमोडिटी एंड is transported unpackaged and in large quantities, ठीक है। तो आई एम श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, बल्क कार्गो आपका लिक्विड एंड सॉलिड दोनों फॉर्म में हो सकता है, बिलोंग करता है प्राइमरी कॉमोडिटी को, और अनपैकेज्ड और यू नो ट्रांसपोर्ट होता है, और जो आइटम्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स जो आपने पढ़े उनको याद रखिएगा, लाइक जो बल्क कार्गो में आती हैं आपकी कॉमोडिटीज़, इट कैन बी आयरन ओर यू नो फर्टिलाइज़र्स, फूड ग्रेन्स, क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम एंड कोल, एडिबल ऑयल, सो दीज ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ बल्क कार्गो कॉमोडिटीज़, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट है आपके एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, हम पढ़ेंगे अब नाउ ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो के बारे में, लाइक व्हाट इज़ ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो, ठीक है। आप ब्रेक बल्क बोलिए या फिर जनरल कार्गो बोलिए, आपका वन एंड द सेम थिंग, तो चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। सो ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो रेफर्स टू द मैन्युफैक्चर्ड और सेमी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस्ड और सेमी प्रोसेस्ड गुड्स that is transported in different types of packaging such as cases, crates, bales, drums or barrels, rolls, bags etc, ठीक है। तो break bulks या फिर general cargo आपके उन goods को refer करता है जो कि आपकी या तो manufactured होती हैं या फिर semi manufactured, semi means partially manufactured, यानी पूरी तरह manufactured नहीं है, आपकी partially manufactured की गई हैं, तो इट कैन बी पूरी तरह से manufactured और semi manufactured और पूरी तरह से processed और semi processed goods, और जो ये सारी गुड्स होंगी वो ट्रांसपोर्ट की जाएंगी बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग, तो इनमें अलग अलग तरह की पैकिंग्स आपकी यूज़ होगी ट्रांसपोर्ट करते टाइम पे, तो कौन कौन सी तरह की जो पैकिंग है आपकी यूज़ हो सकती हैं, लाइक इट कैन बी केसेस, आपके केस यूज़ हो सकते हैं, सूटकेस एंड ऑल्स, क्रेट्स यूज़ हो सकती हैं, बेल्स यूज़ हो सकती हैं, ड्रम्स या बैरल्स यूज़ हो सकते हैं, रोल्स यूज़ हो सकते हैं, बैग्स और बैगेजेस यूज़ हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन में पैकिंग के तौर पर यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ब्रेक बल्क या जनरल कार्गो बेसिकली उन गुड्स को रेफ़र करता है जो कि या तो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं या फिर सेमी मैन्युफैक्चर्ड या फिर आपकी प्रोसेस गुड्स होती हैं या फिर सेमी प्रोसेस्ड या सेमी
हाई प्रोसेस्ड मैन्युफैक्चर्ड या सेमी मैन्युफैक्चर्ड जो आपकी गुड्स होती हैं, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट करते समय कई तरह की पैकिंग यू नो यूज़ होती है, तो वो आपकी जो गुड्स होती हैं या वो कार्गो आपका बेसिकली ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो कहलाता है, ठीक है। सो द पॉइंट विल बी ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो रेफर्स टू द मैन्युफैक्चर्ड और सेमी मैन्युफैक्चर्ड कॉमा प्रोसेस्ड और सेमी प्रोसेस्ड गुड्स दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग सच एज केसेस क्रेट्स बेल्स ड्रम्स और बैरल्स रोल्स बैग्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो यहाँ पर ये पॉइंट आपका ख़त्म हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डायग्राम के थ्रू और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। सो ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो रेफर्स टू द मैन्युफैक्चर्ड और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विच इज़ ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग, फॉर एग्जांपल बोट्स क्रेन्स टर्बाइंस ब्लेड्स जनरेटर्स लार्ज इंजन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ब्रेक बल्क या फिर आपकी कार्गो जो जनरल कार्गो है बेसिकली उन गुड्स को रेफर करता है जो कि आपकी मैन्युफैक्चर्ड या सेमी मैन्युफैक्चर्ड होती हैं और जिनमें ट्रांसपोर्ट करते टाइम पे क्या होता है अलग अलग तरह की पैकिंग का इस्तेमाल होता है, और इसके कई एग्जांपल्स आपके यहाँ पर मेंशन है, लाइक आपका बोट्स के पार्ट हो गए, क्रेन्स टर्बाइन की ब्लेड्स हो गई, जनरेटर्स लार्ज इंजन्स एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या किए जाते हैं आपके, बेसिकली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और ये कैसी गुड्स होती हैं आपकी, या तो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं या फिर सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। तो ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो रेफर्स टू द मैन्युफैक्चर्ड और सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विच इज़ ट्रांसपोर्टेड इन different types of packing, for example boats, cranes, turbines, blades, generators, large engines, small engines, etc. ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने next topic पर। तो दोस्तों अब जो हम अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ़ दी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइनर शिपिंग क्या होती है, ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय लाइनर शिपिंग, और ये कई बार पहले आपका रिपीट हो चुका है कई एग्ज़ाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो लाइनर शिपिंग रेफर्स टू द शिपिंग सर्विसेज required for the movement of break bulk or general cargo, ठीक है। तो break bulk या फिर general cargo को क्या करने के लिए, basically ship करने के लिए जो shipping services आपकी required होती हैं उस सर्विस को बेसिकली क्या बोलते हैं, लाइनर शिपिंग, ठीक है। तो लाइनर शिपिंग रेफर्स टू द शिपिंग सर्विसेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो। सो लाइनर शिपिंग रेफर्स टू द शिपिंग सर्विसेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो। तो ब्रेक बल्क और जनरल कार्गो के मूवमेंट के लिए आपकी जो शिपिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं वो कहलाती हैं लाइनर शिपिंग, ठीक है। लाइनर शिपिंग क्या होती हैं, वो शिपिंग सर्विसेज जो कि ब्रेक बल्क या फिर जनरल कार्गो, जिसके एग्जांपल्स हमने अभी पढ़े हैं, लाइक यू नो जनरेटर्स टर्बाइंस आपकी हो गई शिप्स बोट्स या कोई भी आपकी मैन्युफैक्चर्ड या सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो इन सब की यू नो मूवमेंट के लिए जो भी आपकी शिपिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं वो कहलाती हैं आपकी लाइनर शिपिंग, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ ख़त्म हो गया, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्लाइड। जो सेकंड पार्ट है आपका इस स्लाइड का, इट सेज कि लाइनर शिपिंग हैज़ फिक्स्ड सेलिंग शेड्यूल एंड हैज़ एडिक्वेट पोर्ट कवरेज, ठीक है, विच हेल्प्स बायर्स और सप्लायर्स टू प्लान देयर ट्रेडिंग, ठीक है। तो जो लाइनर शिपिंग होती है उसका जो सेलिंग शेड्यूल है, यानी कि जो शिप होता है आपका उसका सेल करने का जो शेड्यूल होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर अगर उसको शिप आउट होना है तो वो तभी होगा, और इसमें जो आपके शिपिंग जो शिप्स होते हैं आपके उनकी कवरेज कई सारे पोर्ट्स पर होती है, तो एडिक्वेट कवरेज प्रोवाइड की जाती है इनकेस ऑफ लाइनर शिपिंग, और इस जिससे क्या होता है बेसिकली जो भी बायर्स या सप्लायर्स होते हैं वो अपनी जो ट्रेडिंग या शिपमेंट है एडवांस में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उनको एम्पल ऑफ टाइम मिलता है कि जिस डेट को उन्हें अपना शिपमेंट यू नो करना है पैकेज का, वो डेट चेक कर सकते हैं, अगर लाइनर शिपिंग शेड्यूल्ड है तो अपना उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, वो अपना जो आइटम है वो शिप आउट कर सकते हैं, नहीं तो वो चेक कर सकते हैं कि फर्दर किस डेट को आपकी ये लाइनर शिपिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, और उसके हिसाब से भी अपने प्लान बना सकते हैं, ठीक है। तो लाइनर शिपिंग हैज़ फिक्स्ड सेलिंग शेड्यूल एंड हैज़ एडिक्वेट पोर्ट कवरेज विच हेल्प्स बायर्स और सप्लायर्स टू प्लान देयर ट्रेडिंग, तो दिस इज़ द सेकेंड लाइन, ठीक है। सो लाइनर शिपिंग क्या है, वन
once again I'm repeating it for you. Tulaina Shipping refers to the shipping services required for the movement of break bulk or general cargo, and it has fixed sailing schedule with and has adequate port coverage, which helps buyers or suppliers to plan their trading properly. Okay, तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट. ओके, तो दोस्तों लाइनर शिपिंग में जो शिप्स यूज़ होते हैं उन शिप्स को हम बेसिकली बोलते हैं लाइनर शिप्स. ठीक है, तो जान लेते हैं लाइनर शिप्स क्या होते हैं. तो लाइनर शिप इज़ अ शिप एंगेज्ड इन लाइनर शिपिंग विच हैज़ फिक्स्ड सेलिंग शेड्यूल्स विद फिक्स्ड पोर्ट ऑफ कॉल्स. ओके, तो लाइनर शिप्स कौन से शिप्स होते हैं. तो लाइनर शिप्स आर दो शिप्स which are engaged in liner shipping and which has fixed sailing schedules with the fixed ports of calls. ठीक है, तो आपके जो ports होते हैं जहाँ पर वो अपनी services provide करेंगे liner ships, वो भी आपके कैसे होते हैं, fixed होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं fixed port of calls. ठीक है, और इनका जो schedule होता है वो भी कैसा होता है, fixed होता है. दोस्तों अब इस स्लाइड का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे. तो कौन कौन से आइटम शिप किए जाते हैं लाइनर शिप्स के थ्रू. ठीक है, तो लाइनर शिप्स के थ्रू आपके सेमी प्रोसेस्ड या फिनिश्ड आइटम्स शिप आउट किए जाते हैं, विच कैन बी लेदर, टी, रेडीमेड गारमेंट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो लाइनर शिप्स के थ्रू आपके सेमी प्रोसेस्ड या फिनिश्ड आइटम्स शिप आउट किए जाते हैं. इट कैन बी लेदर, टी, रेडीमेड गारमेंट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. इसके अलावा जो प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने पढ़े थे, लाइक आपके बोट्स, आपके टर्बाइंस, जनरेटर्स, तो ये सारे भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो. ये भी आपके शिप आउट किए जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ लाइनर शिप्स. ठीक है, तो लाइनर शिप्स क्या होते हैं बेसिकली. तो लाइनर शिप्स रेफर्स टू दो शिप्स विच इज एंगेज्ड इन लाइनर शिपिंग विच हैज़ फिक्स्ड सेलिंग शेड्यूल्स विद फाइनल पोर्ट ऑफ कॉल्स. ठीक है, तो पहली लाइन आपकी बनेगी कि लाइनर शिप्स आर दो शिप्स विच आर एंगेज्ड इन लाइनर शिपिंग. सो लाइनर शिप, सेकेंड लाइन, लाइनर शिप हैज़ फिक्स्ड सेलिंग शेड्यूल्स विद फिक्स्ड पोर्ट ऑफ कॉल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट द आइटम्स दैट आर शिप्ड विद द हेल्प ऑफ लाइनर शिप्स आर सेमी प्रोसेस्ड और फिनिश गुड सच एज लेदर, टी, रेडीमेड गारमेंट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो आपकी लगभग 5 से 6 लाइन आपकी बन चुकी हैं. आप चाहें तो लाइनर शिपिंग से स्टार्ट करेंगे और अभी तक आप काउंट करेंगे तो लगभग आधे पेज का आपका आंसर बन जाएगा इसमें. ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में. तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है. तो लाइनर शिपिंग सर्विस के बारे में बात करेंगे. तो लाइनर शिपिंग सर्विस इज़ अ सर्विस दैट ऑपरेट्स विद इन अ शेड्यूल एंड हैज़ फिक्स्ड पोर्ट रोटेशन विद पब्लिश्ड डेट्स ऑफ कॉल्स एट द एडवर्टाइज पोर्ट. ठीक है, तो जो लाइनर हमारी शिपिंग सर्विसेज है बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं जो शिपर्स के थ्रू, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि आपका जो ये शिप है कब आपका पोर्ट से निकलेगा, आपका कौन कौन से पोर्ट्स पर जाएगा, कितने टाइम में आपकी डिलीवरी होगी, कितनी स्पेस अवेलेबल है, क्या चार्जेस हैं. तो लाइनर शिपिंग सर्विसेज में ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, जो कि बायर्स और सेलर्स को क्या करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं. तो जो लाइनर शिपिंग सर्विसेज है ये ऑपरेट करती है आपके एक फिक्स शेड्यूल में और जो इनकी फिक्स्ड पोर्ट रोटेशन होती है. ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की. नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है. लाइनर शिपिंग सर्विस जनरली फुलफिल्स द शेड्यूल अनलेस इन केस वेयर अ कॉल एट वन ऑफ द पोर्ट्स हैज़ बीन अनड्यूली डिलेड ड्यू टू नेचुरल और मैनमेड कॉजेज. तो जो हमारी लाइनर शिपिंग सर्विस होती है इसमें बेसिकली जो आपका शेड्यूल होता है वो फिक्स रहता है हमेशा, लेकिन अगर कभी कभी व्हाट हैपेंस ड्यू टू नेचुरल और मैनमेड कॉजेज की वजह से क्या होता है, आपका अगर किसी पोर्ट ने आपका जो कॉल है लाइनर शिप की वो बहुत ज़्यादा डिले करी, तो उस केस में वो पोर्ट को क्या करेंगे, वहाँ पर उसको छोड़कर वो आगे की डेस्टिनेशन के लिए रीच करेंगे या फिर आगे की डेस्टिनेशन के लिए बढ़ जाएंगे. ठीक है, तो एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, द यूके और एनडब्ल्यूसी कॉन्टिनेंट सर्विस ऑफ एमएससी विच हैज़ अ फिक्स्ड वीकली शेड्यूल कॉलिंग द साउथ अफ्रीकन पोर्ट्स ऑफ डर्बन, केप टाउन एंड पोर्ट एलिजाबेथ एंड कैरिंग कार्गो टू द यूके और एनडब्ल्यूसी पोर्ट्स ऑफ द फेलिक्सटो, एंटवर्प, हैम्बर्ग, ले हार्वी एंड रॉटरडैम. तो ठीक है, आपकी एक क्या है बेसिकली यूके या एनडब्ल्यूसी की कॉन्टिनेंट सर्विस है जो कि एमएससी के थ्रू प्रोवाइडेड है, उनका एक फिक्स्ड शेड्यूल है
वो आपके क्या करते हैं, फिक्स्ड इन एंड पोर्ट्स पर जाना है, वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ पर रीच अप्रोच करेंगे और उसके अलावा उनका जो आइटम्स है वो डिलीवर कर देंगे, जो भी चाहता है उन पोर्ट्स पर डिलीवर करना। और इसके अलावा उन पोर्ट से अगर उनके पास स्पेस अवेलेबल है तो वो अपनी पर्टिकुलर जो डेस्टिनेशन है जिस पर उन्हें वापस आना है तो उसके लिए भी वो आइटम्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, दिस इज़ व्हाट बेसिकली लाइनर शिपिंग। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें आपका फिक्स्ड शेड्यूल होता है और आपके फिक्स जो पोर्ट जो होते हैं पोर्ट ऑफ कॉल वो भी फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रैम शिपिंग के बारे में कि ट्रैम शिपिंग होती क्या है। सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैम शिपिंग, ठीक है। तो दोस्तों एज आई सेड दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइनर शिपिंग एंड ट्रैम शिपिंग, तो ध्यान से पढ़िएगा। सो ट्रैम शिपिंग रेफर्स टू द शिपिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ बल्क कार्गो। तो दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि लाइनर शिपिंग के केस में क्या होती है, आपकी वो शिपिंग सर्विसेज जो कि आपकी ब्रेक बल्क या फिर जनरल कार्गो के मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है लाइनर शिपिंग। अब ट्रैम शिपिंग के केस में बेसिकली जो आपकी बल्क कार्गो होती है उसकी मूवमेंट के लिए जो शिपिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं वो कहलाती है ट्रैम शिपिंग, ठीक है। सो ट्रैम शिपिंग रेफर्स टू द शिपिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ बल्क कार्गो। सो द शिपिंग सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ बल्क कार्गो आर नोन एज ट्रैम शिपिंग, ठीक है। तो वो शिपिंग सर्विसेज जो कि बल्क कार्गो की मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है ट्रैम्प शिपिंग, ठीक है। आई एम श्योर कि अभी आपको ये याद हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका जो कि सेम स्लाइड में हमारा कि ट्रैम्प शिपिंग ऑफर्स मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द फ्रीडम ऑफ हाई सीज। तो ट्रैम शिपिंग की बात करें तो कई सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू लाइनर शिपिंग। इसमें आपका बेसिकली होता है फ्रीडम ऑफ हाई सीज एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन मूवमेंट ऑन वेरियस ट्रेड राउट्स, ठीक है। तो ट्रैम शिपिंग ऑफर्स मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द फ्रीडम ऑफ हाई सीज एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन मूवमेंट ऑन वेरियस ट्रेड राउट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ नो फिक्स्ड सेलिंग शेड्यूल। सो ट्रैम शिपिंग की बात करें कई सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है आपका ये शिपिंग सर्विस। इसमें कोई भी आपका फिक्स्ड सेलिंग शेड्यूल नहीं होता, अपने हिसाब से जो ये पोर्ट है पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई आपका बायर या कोई सेलर है जो चाहता है कि उसकी गुड्स एंड सर्विसेज जल्दी डिलीवर हो और थ्रू द यूजेज ऑफ शॉर्ट राउट हो, तो उस केस में क्या है वो ट्रैम शिपिंग को प्रेफर कर सकता है, क्योंकि ट्रैम शिपिंग में आपके जो कार्गो होगा उसको बेसिकली क्या की जाएगी, यू नो प्रायोरिटी दी जाएगी, और आपका जो भी बल्क कार्गो है बेसिकली वो क्या होगा आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से और आपकी नीड के हिसाब से क्या किया जाएगा, बेसिकली डिलीवर किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रैम शिपिंग में क्या होगा, आप शॉर्ट नोटिस पर भी अपनी ये शिपिंग सर्विस अवेल कर सकते हो। बस एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, ट्रैम शिपिंग बेसिकली बल्क कार्गो के मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, जितने आपके ज़्यादा लाइक्स होंगे तो उसी हिसाब से आई डिसाइड कि आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूं या फिर आपके बेसिकली जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होती हैं उसके हिसाब से PPTs प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सो आर ट्रैम्प शिपिंग सर्विस और टेम्पर ऑन इज़ अ शिप दैट हैज़ नो फिक्स्ड राउटिंग इटिनरी और शेड्यूल एंड इज़ अवेलेबल एट शॉर्ट नोटिस और फिक्स्चर टू लोड एनी कार्गो फ्रॉम एनी पोर्ट टू एनी पोर्ट, ठीक है। सो जो हमारी ट्रैम शिपिंग सर्विसेज है या फिर आप बोल सकते हो ट्रैम्पर, उसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें कोई भी आपका फिक्स्ड रूट नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, और अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए ट्रैम शिपिंग की तो वो शॉर्ट नोटिस पर अवेलेबल होती है। इस सर्विस में बेसिकली आपका कोई भी आपका कार्गो जो है कहीं से भी लोड किया जा सकता है। देर इज़ नो कंडीशन, देर इज़ नो बाउंडेशन इन दिस पर्टिकुलर शिपिंग सर्विस, ओके। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अब इसमें एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अ शिप डेट अराइव्स एट डरबन फ्रॉम कोरिया टू डिस्चार्ज कार्गो माइट कैरी सम अदर कार्गो फ्रॉम डरबन टू ओकलैंड, ठीक है। तो एक शिप है जो कि बेसिकली क्या है आपका कोरिया से डरबन आया है, ठीक है,
कुछ पर्टिकुलर कार्गो था इसमें जो कि इसको डिलीवर करना था, ट्रांसपोर्ट करना था डरबन। सो द शिप डिड इट। और उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली डरबन से उसको कोई और आपका कार्गो ऑर्डर मिला जो कि उसे ओकलैंड तक क्या करना था, पहुंचाना था। तो उसने क्या करा, बेसिकली वो कार्गो लिया और ओकलैंड के लिए उसने क्या करा, अपना शिप लेके ट्रैवल करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैम्प शिपमेंट। इनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, फिक्स राउट नहीं होता। आपका जैसा आपकी यू नो अवेलेबिलिटी होती है ऑर्डर्स की या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अपनी डायरेक्शन क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, और अभी इस वीडियो में मैं यहीं तक डिस्कस करूँगा। ठीक है, एंड आई एम श्योर वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दोस्तों तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। आई रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स में मार्क्स बूस्ट अप कर सकें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, एंड यू हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय बाय।